लेकिन आज ये आज रो रही है। इनको मैंने मुंह दिखाई में बुलाया था, माशाल्लाह ये वली में तक आ ही गए। चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। तो आज मेरा वलीमा है और अभी टाइम हो गया है कुछ 5-6 बज रहा है, तो ये अभी 3 घंटे से रेडी हो रही है। और कितना टाइम लगेगा इसको? 3 घंटा तो ऑलरेडी हो गया, और कितना टाइम लगेगा? और आधा घंटा, मतलब 3.5 घंटा पूरा इसने रेडी होने के लिए। मतलब कैसा मालूम है, ये वीडियो बना रही थी, बीच बीच में रुक के खाना खा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, उसमें टाइम लगा है। अब मैं देखो कितनी जल्दी जाके रेडी होता हूँ। तो अभी इनका मेकअप हो रहा है। अब बहुत ही अच्छे से, लेकिन ये कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। और ये जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस पर। थैंक यू सर। ओह माय गॉड, ये बीच बीच में रुक रही है बहुत, कितने टाइम से कर रही है, 10-12 घंटा हो गया इसको मेकअप करते करते, अभी भी कुछ सुधार नहीं आया। अभी भी कुछ सुधार नहीं आया 10-12 घंटा मेकअप करके। नहीं नहीं, आधा घंटा हो गया है और बहुत अच्छे से मेकअप हो रहा है, यही बोलने का था ना। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। कुछ बोलना चाहोगे आप? देखो ये नहीं बोलने का था पागल। नहीं, मेरे हस्बैंड ने बोले शर्मा। देखो इसको तो कुछ बोलना ही बेकार है। इससे पहले एक वीडियो लिए थे, इसका दूसरा ले रहे हैं, उसमें बोलते हैं कि चाबरी भूल रहे हैं, इधर शर्मा। तो इसलिए मैं भी शर्मा, इसलिए ये भी शर्मा। तो ये शर्माना है, अल्लाह इसे शर्माने से सबको बचाए। तो जैसा मैंने वादा किया था, मैं फटाफट रेडी हो गया। You serious? बस मेरे को बाल सेट करने का, और इनको बोल रहा हूँ मेरे को बाल सेट करने का, तो बोले क्या ज़रूरत है, खुद इतने घंटों से अपने मुंह पे क्या बोलते हैं उसको, लंबी से मीट मीट लगा रहे, उसका कुछ दो टूथपेस्ट खत्म कर दिए मैंने। अब मुझे नहीं पता सवेरे जिससे करना है करो। तो अभी हम लोग घर से निकल गए, गाड़ी में बस अभी 2-5 मिनट का रास्ता है। ये पूरा रेडी हो गई है और मैं भी रेडी हो गया हूँ, लेकिन थोड़ा बाल विल सेट करना है, वो हॉल में कर दूंगा। और ये देख सकते हो आप इनका घाघरा, आधी गाड़ी पूरी कवर है, आधी गाड़ी कवर है इनके लहंगे से, माशाल्लाह। तो अभी हम लोग 2 मिनट में पहुंच जाएंगे हॉल। और मोहसिन भाई में ये गाना गाने वाली है, कजरा रे काले काले नैना। तो मिलते हैं हॉल में। चलो चलो कुछ नहीं, चलो निकलता।
ना जरा भी नहीं रोई। सब दुल्हन लोग कल रोते हैं जुदा होने के लिए, लेकिन आज ये आज रो रही है। बाबुल की दुआएं ले दी जा। दुल्हन लोग कभी रोते ऐसे का आज रो रही है। इसको मेरे जुदाई का रोना है। सकीना रो रो रो। सकीना सकीना सकीना, तुम क्या बोलना चाहोगे? अरे वो रो रही, तुम लोग हंस रहे यार। बहुत अच्छा है, रोना चाहिए। इधर देख सकीना, सकीना इधर देख, इधर देख। अरे आज क्यों रो रही है? उल्टी दुल्हन है ये। दुल्हन लोग कल रोते हैं आज रो रही है। बंदा भी निकाल के रखो, तुमको मेरे को भी देने का है। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। जितना ज्यादा मैं शादी से हल्दी विल्दी से नहीं थका, उतना ज्यादा इसका ये लहंगा उठाते उठाते थक गया। तो मैं सबको यही बोलूँगा, जो भी शादी करेगा अपनी वाइफ को लहंगा वहंगा मत दिलाओ, नॉर्मल एक साड़ी दिलाओ। कौन सी वाली आती हो? कोई तो भी साड़ी आती हो तो दिला दो, या फिर कुछ भी ऐसा नॉर्मल ही दिलाओ, ये इतना हैवी मत दिलाओ। कितने किलो का रहेगा? 5 किलो का। ऐसा 5 किलो उठा के मैं स्टेशन तक चले जाऊंगा, लेकिन ये 5 किलो उठाना बहुत भारी पड़ रहा है सच में। हालत खराब हो गई। आपने कभी सोचे थे क्या क्या अपनी वाइफ का आपको लहंगा उठाना पड़ेगा? नहीं नहीं, घर पे तो ऐसा रह रहे थे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, और अब देखिए सब सही रहे। फिर उठा गलती से टूट गया था। सो थैंक यू सो मच गाइज यादव के ब्लॉग देखने के लिए। अगर ब्लॉग में आपको जो भी पार्ट अच्छा लगा तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जितना हो सके शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को अगर आपको ऐसी ब्लॉग और भी देखना है तो। नहीं मैं ऐसे ढेर सारे ब्लॉग पोस्ट करता रहूंगा, प्लीज आप लोग करना, लाइक करना। एंड ये मेरे भाई है अजहर भाई, जो इनको मैंने मुंह दिखाई में बुलाया था, और माशाल्लाह ये वलीमे तक आ ही गए, वो भी वलीमे में भी नहीं आए, घर पे आए वलीमे की रात को। और ये मेरे भाभी है जो इनकी वजह से नहीं आ पाए, नहीं तो वो तो माशाल्लाह रेडी थे। और ये हमारी वाइफ है जिससे आपको मैं ऑलरेडी मिला चुका हूँ। एंड अजहर भाई, आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई, मेरे 12 साल हो गए, मेरी मूर्ति बन गई, अभी मूर्ति चालू है अभी। तो थैंक यू यार देखने के लिए। तो मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। नहीं अल्लाह।